अगर आपने अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट कर ली है और आप इंडियन एयरफोर्स ज्वाइन करना चाहते हो तो आपके पास दो ही एंट्री मौजूद होती है, दैट इज यूपीएससी की सीडीएस एंट्री एंड एफकेट एंट्री। और इन दोनों एंट्री में से आपके लिए कौन सी एंट्री सूटेबल होगी देखेंगे आज की वीडियो में। सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि ये दोनों एंट्रीज बिल्कुल डिफरेंट है, इसलिए पहले इन दोनों एग्जामिनेशन को अच्छे से जान लेते हैं, जिसके बाद इनको डिफरेंट पैरामीटर्स पर कंपेयर करेंगे। एफकेट यानी एयरफोर्स कॉमन एडमिशन टेस्ट एक ऑनलाइन एग्जामिनेशन है जो सीडीएसई द्वारा कंडक्ट किया जाता है ऑन बिहाफ ऑफ इंडियन एयरफोर्स। इस एग्जामिनेशन के थ्रू ही इंडियन एयरफोर्स पोटेंशियल मैन और वुमेन को सिलेक्ट करती है, जिन्हें ट्रेनिंग के बाद IAF की फ्लाइंग टेक्निकल और नॉन टेक्निकल ब्रांच में अधिकारी के रूप में नियुक्त किया जाता है। ग्राउंड ड्यूटी टेक्निकल और ग्राउंड ड्यूटी नॉन टेक्निकल के लिए दोनों मेल एंड फीमेल कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं, पर उनकी एज 20-26 ईयर होनी चाहिए एट द टाइम ऑफ कमेंसमेंट ऑफ कोर्स। इवन फ्लाइंग ब्रांच में भी मेल एंड फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं, पर उनकी एज 20-24 ईयर होनी चाहिए एट द टाइम ऑफ कमेंसमेंट ऑफ कोर्स। अब बात करते हैं एग्जाम पैटर्न की। तो एफकेट रिटन एग्जाम में आपको एक ही 300 मार्क्स का पेपर देना होता है, जिसमें ऑब्जेक्टिव टाइप के 100 क्वेश्चंस होते हैं और इस पेपर का टाइम ड्यूरेशन 2 आवर्स होता है। पेपर में इंग्लिश, जनरल नॉलेज, मैथमेटिक्स और रीजनिंग सेक्शन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एफकेट में 45-55% स्कोर करना काफी डिफिकल्ट नहीं होता है, पर एफकेट में हर गलत आंसर के लिए 1/3 नेगेटिव मार्किंग होती है, जिसके कारण कैंडिडेट्स का ओवरऑल स्कोर काफी कम हो जाता है। इससे पहले कि हम आगे बढ़े, मैं आपको बताना चाहूंगा, अगर आप एफकेट एग्जाम में 200 प्लस मार्क्स लाना चाहते हैं तो मैं आपको ये बुक हाईली रिकमेंड करूंगा। इसे सेल्फ स्टडी के लिए और ग्रेजुएशन कर रहे स्टूडेंट्स की टाइम अवेलेबिलिटी को ध्यान में रखकर बनाया गया है। दिस इज द मोस्ट सक्सेसफुल बुक ऑफ एफकेट इन इंडिया, अवेलेबल ऑन Amazon एंड Flipkart। अब अगर CDS यानी कम्बाइंड डिफेंस सर्विस एग्जामिनेशन की बात करें तो CDS एग्जाम UPSC द्वारा साल में 2 बार कंडक्ट किया जाता है। इस एंट्री से कैंडिडेट तीनों सर्विसेज, दैट इज इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी और इंडियन एयरफोर्स के लिए ऑप्ट कर सकते हैं, पर कैंडिडेट को एप्लीकेशन फिल करते टाइम हर सर्विस को प्रेफरेंस देनी होती है। और अगर आपको IAF ज्वाइन करना है तो आपको एयरफोर्स को फर्स्ट प्रेफरेंस ही देनी होगी, अदरवाइज आपकी एयरफोर्स की प्रेफरेंस इनवैलिड कंसिडर की जाएगी। इसके अलावा मैं ये भी बता दूं कि CDS एंट्री के थ्रू एयरफोर्स के लिए बस अनमैरिड मेल कैंडिडेट्स ही अप्लाई कर सकते हैं, जिनकी एज 20-24 ईयर्स है एट द टाइम ऑफ कमेंसमेंट ऑफ कोर्स। अगर आप CDS एंट्री के थ्रू एयरफोर्स ज्वाइन करना चाहते हो तो आपको टोटल 3 पेपर्स देने होंगे, दैट इज इंग्लिश, जनरल नॉलेज एंड मैथमेटिक्स। ये तीनों पेपर 100 मार्क्स के होते हैं और हर पेपर के लिए आपको 2 आवर्स का टाइम दिया जाता है। CDS और FCAT दोनों एंट्री में ही रिटन एग्जामिनेशन क्लियर करने वाले